दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा डीडी फिडिक्स का सेटअप बॉक्स होता है उसमें अगर ऑटो स्कैन से सारे चैनल हमारे सेटअप बॉक्स में नहीं आते तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको बिल्कुल मैनुअल तरीका बताने वाला हूं, एक एक चैनल को दोस्तों यहाँ पर मैं ऐड करके आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम सारे के सारे चैनल को डीडी फिडिक्स के सेटअप बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑटो स्कैन नहीं करने वाला हूँ और बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल एक यूनिक तरीका आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल मैनुअल तरीका आपको बताने वाला हूँ जिससे दोस्तों 100% आप सारे के सारे चैनल को हमारे सेटअप बॉक्स के अंदर ऐड कर पाओ। तो इसके लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहां पर जो जितने भी चैनल हैं मेरे सेटअप बॉक्स में सबको यहां पे डिलीट करूंगा और बिल्कुल यहां पे सेटअप बॉक्स को खाली कर दूंगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहां पे मैंने रिमोट का जो मेन्यू बटन है उसको दबाया है और सिंपली मैं एडिट प्रोग्राम में चला जाता हूं और यहां पर डिलीट ऑल प्रोग्राम करके इन सारे चैनल को डिलीट कर देता हूं। तो मैंने सभी चैनल को यहां पे सभी टीवी चैनल को डिलीट कर दिया है। अब दोस्तों इसी तरीके से मैं रेडियो चैनल को भी यहां पे डिलीट कर देता हूं। तो यहां पे मैं रेडियो चैनल इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और वापस रिमोट का मेन्यू बटन दबा करके एडिट प्रोग्राम में आकर के वापस डिलीट ऑल प्रोग्राम में आकर के इनको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं नो रेडियो प्रोग्राम यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो अब दोस्तों वापस टीवी चैनल लिस्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं नो टीवी प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर चैनल ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों रिमोट का मेन्यू बटन प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोग्राम सेटअप में जाना है। प्रोग्राम सेटअप में जाने के बाद सबसे ऊपर ही आपको ऐड न्यू प्रोग्राम का एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इसके अंदर आपको चले जाना है। और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको जो फ्रीक्वेंसी है LN फ्रीक्वेंसी इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 5150 यहाँ पर डली हुई है तो हमें यहाँ पर क्या कर लेना है, 9750 यहाँ पर कर लेना है, 09750 दोनों जगह हमको इसको कर लेना है। और उसके बाद में मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो मैंने दोनों जगह LN फ्रीक्वेंसी को 09750 कर लिया। अब दोस्तों जो ट्रांस फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर हम अलग अलग ट्रांस फ्रीक्वेंसी डालेंगे, यानी टोटल जो डीडी फीडिस पे जो फ्रीक्वेंसी हमको मिलती है MPG2 टाइप के सेटअप बॉक्स के लिए वो 5 फ्रीक्वेंसियाँ ही हमको मिलती है और उस 5 फ्रीक्वेंसी पे ही सारे के सारे जो फ्री डिस के चैनल हैं डीडी फीडिस के चैनल हैं वो हमारे सेटअप बॉक्स में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं टोटल 5 फ्रीक्वेंसियाँ हैं उनको मैनुअल तरीके से डालूंगा और एक एक चैनल को यहाँ पर ऐड करके आपको बताऊँगा। तो जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी दोस्तों है 11090 वर्टिकल 29500, यानी कि जो ट्रांस फ्रीक्वेंसी है सबसे पहली वो है 11090। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, 11090 डाल देना है और उसके बाद में यहाँ पर सिंबल रेट जो है 11090 फ्रीक्वेंसी के लिए 29500 है तो हम यहाँ पे डालेंगे 29500। तो यहाँ पर 29500 डाल लिया है। उसके बाद में यहाँ पर 11090 जो फ्रीक्वेंसी है इसके लिए जो पोलैरिटी है वो दोस्तों यहाँ पे वर्टिकल है यानी कि वी है तो हमें सिंपली यहाँ पे वी कर देना। आप देख सकते हैं नीचे जैसे ही मैंने यहाँ पे वी करा है यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपरली मैंने डाल दी है तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर सिग्नल क्वालिटी मिल चुका है, 72% के आसपास मुझे यहाँ पर सिग्नल क्वालिटी इसका मिल चुका है। अब दोस्तों नीचे चलना है, 22K को और DC QC को ऑफ रखना है, दोनों को हमें ऑफ रखना है या फिर डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है तो डिसेबल इसको रखना है। उसके बाद में मोड जो है हमें यहाँ पे फ्री करके रखना है, ऑल की जगह हमें फ्री कर लेना है। बस ये सेटिंग कर लिए तो हमारी जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर प्रॉपरली सेट हो चुकी है। अब इस फ्रीक्वेंसी पे चैनल्स को स्कैन करने के लिए सिंपली रिमोट का ओके वाला बटन दबाना है। तो जैसे हम रिमोट का ओके बटन दबाते हैं तो इस फ्रीक्वेंसी पर जो भी चैनल होंगे हमारे सेटअप बॉक्स के अंदर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर 18 टोटल चैनल इस फ्रीक्वेंसी पे मिले हैं। चलिए अब दूसरी फ्रीक्वेंसी हम डाल के बताते हैं। तो दूसरी फ्रीक्वेंसी डालने के लिए वापस से न्यू प्रोग्राम में जाना होगा और यहाँ पर जो LN फ्रीक्वेंसी है इसको चेंज नहीं करना है, जो 9750 है वही यहाँ पर रखना है। अब दूसरी फ्रीक्वेंसी में दोस्तों यहाँ पर जो हम ट्रांस फ्रीक्वेंसी डालने वाले हैं वो है 11470। तो सिंपली यहाँ पर 11470 हम फ्रीक्वेंसी डाल देंगे और 11470 के लिए यहाँ पे सिंबल रेट डालेंगे 29500 जो कि ऑलरेडी डला हुआ है और इसके लिए हम पोलैरिटी डालेंगे वो वी डालेंगे, वर्टिकल डालेंगे जो कि ऑलरेडी यहाँ पे डला हुआ है। और बाकी यहाँ 22K ऑफ रखना है, DC QC जो है यहाँ पे ऑफ रखना है और मोड को फ्री कर देना। नीचे देख सकते हैं सिग्नल भी हमें मिल चुका है तो सिग्नल का भी हमें ध्यान रखना है, सिग्नल भी हमें नीचे मिलना चाहिए, सिग्नल क्वालिटी वाली जो लाइन है वो यहाँ पर मिलनी चाहिए नहीं तो स्कैनिंग में नहीं आएंगे चैनल। तो दूसरी फ्रीक्वेंसी पे हम यहाँ पे चैनल स्कैन करते हैं तो सिंपली रिमोट का ओके बटन दबाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे तो इस फ्रीक्वेंसी पे टोटल हमको 18 चैनल मिल चुके हैं। इस प्रकार हम तीसरी फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो तीसरी फ्रीक्वेंसी के लिए वापस से न्यू प्रोग्राम में जाएंगे और वापस से दोस्तों यहाँ पर LN फ्रीक्वेंसी को छेड़ना नहीं है और यहाँ पर तीसरी फ्रीक्वेंसी डालेंगे 11510। तो सिंपली हम 11510 यहाँ पर डाल देते हैं और 11510 ट्रांस फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल रेट 29500 ही रहने वाला है और पोलैरिटी भी दोस्तों यहाँ पे वर्टिकल ही रहने वाला है। 22K और DC QC यहाँ पे ऑफ रखना है, मोड को फ्री करना है, सिंपली रिमोट का ओके बटन दबाना है। तो यहाँ पर देखते हैं तो इस फ्रीक्वेंसी पे टोटल 20 चैनल हमारे सेटअप बॉक्स में दोस्तों यहाँ पे ऐड हो चुके हैं।
अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डालते हैं 4 नंबर की, तो वापस एड न्यू प्रोग्राम में जाते हैं और वापस हम ट्रांस फ्रीक्वेंसी में चलते हैं और यहाँ पे इस बार डालेंगे 11550। तो चलिए हम यहाँ पे 11550 डाल देते हैं और इस 11550 फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल रेट यहाँ पे 29500 ही रहने वाला है और पोलैरिटी भी यहाँ पे वर्टिकली रहने वाली है। बाकी इसी यहाँ पे ऑफ रखना है DCQC और 22K को, और सिंपली मोड यहाँ पे फ्री करके रखना है और सिंपली रिमोट का ओके बटन दबाना है। तो यहाँ पर देखते हैं टोटल 20 चैनल दोस्तों इस फ्रीक्वेंसी पे हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डालेंगे 5 नंबर की, तो वापस एड न्यू प्रोग्राम में जाएंगे और वापस से यहाँ पे LN फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करना है और इस बार हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डालेंगे 11170। तो चलिए यहाँ पर 11170 हम डाल देते हैं। 11170 के लिए भी सिंबल रेट 29500 ही रहने वाला है, पोलैरिटी भी यहाँ पे वर्टिकल ही रहने वाली है, 22K और DCQC ऑफ रहेगा, मोड फ्री रहेगा, सिंपली रिमोट का ओके बटन दबाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 18 चैनल इस फ्रीक्वेंसी पे हमें मिल चुका है। तो चलिए हमारी टोटल जो 5 फ्रीक्वेंसी हमने डाल लिया है, अब हम आपको चैनल्स बताते हैं कि कितने चैनल हमारे सेटअप बॉक्स में ऐड हो चुके हैं। चलिए वापस यहाँ से बैक चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल हमारे सेटअप बॉक्स में 94 जो चैनल्स हैं फ्री डिश में यहाँ पे डीडी फ्री डिश के सेटअप बॉक्स में ऐड हो चुके हैं। चलिए मैं आपको शॉर्टली यहाँ पे चैनल इसलिए बता देता हूँ कि जो नए चैनल ऐड हुए हैं वो हमारे सेटअप बॉक्स में ऐड हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर पे रापचिक चैनल जो है हमारे सेटअप बॉक्स में यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद में आगे चलते हैं यहाँ पे, तो इधर ऊपर देखते हैं यहाँ पे धमाल चैनल है 16 नंबर पे, ये आ चुका है हमारे सेटअप बॉक्स में। और आगे चलते हैं यहाँ पर, और इधर आप देख सकते हैं यूनिक टीवी, ये यूनिक टीवी आप यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है। इसके बाद आगे चलते हैं इधर, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इधर कोई नया चैनल नहीं आया। आगे चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं नए चैनल ऐड हो चुके हैं। ये साधना टीवी आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, पीयर टीवी यहाँ पे आ चुका है। तो इस प्रकार जो नए चैनल हैं वो दोस्तों हमारे सेटअप बॉक्स में सारे के सारे आ चुके हैं और जो पुराने चैनल थे वो भी हमारे सेटअप बॉक्स में यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 52 नंबर पर एक्शन सिनेमा हमको मिल चुका है। इसके बाद में ये दूरदर्शन के सारे चैनल हैं, फिर पॉपुलर टीवी भी हमको मिल चुका है यहाँ पे देख सकते हैं 78 नंबर पे, और आगे इधर देख सकते हैं यहाँ पे 90 नंबर पे सन न्यूज चैनल हमारे सेटअप बॉक्स में आ चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे टोटल 94 चैनल हमारे सेटअप बॉक्स में ऐड हो चुके हैं और जो नए चैनल आए हैं वो भी हमारे सेटअप बॉक्स में ऐड हो चुके हैं और जो पुराने चैनल थे वो भी हमारे सेटअप बॉक्स में यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो इस तरीके से अगर दोस्तों आपके सेटअप बॉक्स में ऑटो स्कैनिंग के द्वारा कोई चैनल्स नहीं आते हैं तो ये वाला तरीका आप अपना सकते हैं और अपने सेटअप बॉक्स में सारे चैनल को ऐड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको आगे मिलते रहें।